नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव 11 में। तो अंडर 19 ट्राई सीरीज जो चल रहा है आपको, तो बांग्लादेश अंडर 19, इंडियन अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के बीच, तो उसमें जो आज थर्ड मैच खेला जाएगा और बांग्लादेश अंडर 19 वर्सेज इंडिया अंडर 19 के बीच खेला जाएगा। तो दोनों ही टीमों ने अभी इस ट्राई सीरीज में एक एक मैच खेल चुकी है और दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच जीत के आई है। तो बात करेंगे पिछले मैच की प्लेयरों की परफॉर्मेंस की और पिछला जो इनका प्लेइंग 11 था दोनों ही टीमों का प्लेइंग 11 की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलते ही वीडियो को देख करके ड्रीम 11 की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। नीचे जो रेड कलर का बटन है बस उसको टच करना, तो उसको टच कीजिए, हम चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों टीमों के पिछले प्लेइंग 11 और पिछले मैच में परफॉर्म करने वाले प्लेयरों की परफॉर्मेंस की। तो आपको तो जो आप सबसे पहले बात करेंगे इंडियन अंडर 19 की, तो इंडियन अंडर 19 के जो प्लेयर है आपको तो इनको मैंने बैटिंग ऑर्डर में नहीं रखा। प्रियक गर और कार्तिक त्यागी आपको दिख रहे होंगे कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे बैठे, ये ओपनिंग करने नहीं आए थे। तो उस हिसाब से टीम मैंने आपको बता दो यशस्वी जायसवाल जो है ओपनिंग करने आए थे। तो देख सकते हैं इनका जो पिछला प्लेइंग 11 है, प्रियम गर्ग है, उसके बाद कार्तिक त्यागी, यशस्वी जायसवाल, विद्याधर पाटिल, कामरान इकबाल, इसके अलावा सुशांत मिश्रा, शुभांग हेगड़े, दिव्यांश सक्सेना, रवि बिश्नोई, सशवंत रावत और ध्रुव जुरेल। तो ये था इनका अंडर 19, इंडिया अंडर 19 का पिछला प्लेइंग 11। और पिछले मैच में जिन प्लेयर ने स्कोर किए थे आपको तो इंडिया अंडर 19 के देख सकते हैं, यशस्वी जायसवाल ने बनाए थे 78 यानी 78, इसके अलावा दिव्यांश सक्सेना ने बनाए थे 43 यानी 43 और प्रियम गर्ग ने बनाए थे 38 यानी 38। तो ये थे इनका जो पिछले मैच में जिन बैट्समैन ने स्कोर किए थे उन बैट्समैनों के स्कोर। अब बात करते हैं जिन बॉलर ने विकेट लिए थे, आप देख सकते हो पिछले मैच में आपको बता दो इंग्लैंड अंडर 19 के साथ था इंडिया अंडर 19 का पिछला मैच, तो इंग्लैंड अंडर 19 को ऑल आउट कर दिए थे। तो आप देख सकते हो कार्तिक त्यागी ने 3 विकेट लिए था, रवि बिश्नोई ने लिए थे 3 विकेट, सुशांत मिश्रा ने लिए थे 2 विकेट और विद्याधर पाटिल ने लिए थे 2 विकेट। तो ये इनके बॉलर के परफॉर्मेंस थे। तो आप देख सकते हैं इंडियन अंडर 19 के जो प्लेयर थे जो पिछले मैच में परफॉर्म करे थे उन प्लेयरों के परफॉर्मेंस में दिखा चुका हूँ। तो इनमें से आप किसी को अपनी टीम में रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश अंडर 19 की, तो बांग्लादेश अंडर 19 का जो पिछला प्लेइंग 11 था आप देख सकते हो प्रतीक नारोस नाविल आपको बता दो इनको मैंने बैटिंग ऑर्डर में ही रखा, तंजिद हसन, महमदुल हसन जॉय, उसके बाद हरदोई, सादत हुसैन, अकबर अली, समीम हुसैन, मृत्युंजय चौधरी, तजमीन हसन साकिब, राकिबुल हसन और शरीफुल इस्लाम। तो ये इनका पिछला प्लेइंग 11 है और शायद इस प्लेइंग 11 कोई चेंजेस ना करें क्योंकि ये भी पिछला मैच अपने जीत का ही इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड अंडर 19 के साथ। अब बात करते हैं बांग्लादेश अंडर 19 के बैट्समैन जिन बैट्समैन ने पिछले मैच में स्कोर किए थे, तो आप देख सकते हैं हरदोई ने बनाए थे 70 यानी 70, सादत हुसैन ने बनाए थे 57 यानी 57, महमदुल हसन जॉय ने बनाए थे 36 यानी 36। और अब बात करें जिन बांग्लादेश अंडर 19 के जिन बॉलर ने पिछले मैच में विकेट लिया था, आप देख सकते हैं हसन साकिब ने लिए थे 4 विकेट और मित्रजुन चौधरी ने लिए थे 1 विकेट। सबसे ज़्यादा हसन साकिब ने विकेट लिए थे 4 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी और इस वजह से इनको 4 विकेट मिला था। तो ये थे बांग्लादेश अंडर 19 के प्लेयर जिन्होंने पिछले मैच में परफॉर्म किए थे। अब बात करते हैं जो ड्रीम 11 की टीम मैंने बनाई और टीम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उस टीम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे हम विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर हम आपको बता दो आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन है आपके पास, अकबर अली, डी जुरेल और पी पाटिल। पी पाटिल को पिछले मैच में नहीं खेला गया तो शायद इस मैच में भी नहीं खेला जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने अकबर अली और डी जुरेल दोनों विकेट कीपर को अपनी टीम में रखा है, आप चाहो तो किसी एक को भी रख सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किसी एक को रखना है या फिर दोनों विकेट कीपर को रखना है। आप अगर मेरे सेटिस्फाई मेरे साथ जाना चाहते हो तो दोनों विकेट कीपर को रखिएगा अपने टीम में, अकबर अली और डी जुरेल को। इसके बाद बात करते हैं बैट्समैन के, तो 4 बैट्समैन मैंने अपनी टीम में लिया, देख सकते हैं हसन जॉय को लिया, यशस्वी जायसवाल को लिया, इसके अलावा टी हरदोई को लिया और वी पाटिल को लिया। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन है पी गर्ग को आप रख सकते हो, इसके अलावा एस रावत को रख सकते हो, तंजीद हसन को रख सकते हो, ये आपका ऑप्शन है, इसके बाद नारोस को रख सकते हो, सक्सेना को रख सकते हो, इकबाल को रख सकते हो, इसका आर हसन, बहुत सारे ऑप्शन आपके बचते हैं बैटिंग में। तो बैटिंग में देख लीजिएगा आपको किन को रखना है किन को ड्रॉप करना है। तो अगर आपको 5 बैट्समैन है 3 बैट्समैन के साथ भी जाना तो भी जा सकते हो। अगर आप अपनी टीम में 5 बैट्समैन रखना चाह रहे हो तो एक ऑलराउंडर कम लेके या फिर एक विकेट कीपर कम लेके आप 5 बैट्समैन अपनी टीम में रख सकते हो। तो देख लीजिएगा आपको किस कॉम्बिनेशन में जाना है, जो 4 मैंने लिए अगर इन चारों के साथ जाना चाहते हो तो इन चारों के साथ जाइएगा।
अगर आपको लगता है इन चारों में से कोई परफॉर्म नहीं करेगा तो बेशक उसको ड्रॉप करके जो बाकी के ऑप्शन है बैट्समैन में बहुत सारे ऑप्शन बच रहे तब उनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। जो चार बैट्समैन मैंने लिए एक बार फिर से बता दूँ, हसन जॉय को लिया, SSP जायसवाल को लिया, हरदोई को लिया और बी पाटिल को लिया। इसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर में मैंने हेगड़े को लिया, इसके अलावा सादत हुसैन को लिया, दो ऑलराउंडर मैंने अपनी टीम में रखे। इसके अलावा आप शमीम हुसैन को ले सकते हो, एकमात्र ऑप्शन आपके लिए बचते हैं। दुर्गेश पिछले मैच में नहीं खेले थे, KL भी पिछले मैच में नहीं खेले थे, तो इनको ना ट्राई करें तो ही अच्छा होगा। और आप अगर मेरे से सेटिस्फाई हो तो इन दोनों ऑलराउंडर के साथ ही जाएगा, हेगड़े और सादत हुसैन के साथ। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में तीन बॉलर अपनी टीम में रखा, तंजिम हसन को रखा, इसके अलावा बिश्नोई को रखा है और के त्यागी को रखा है। इसके अलावा बॉलिंग में जो आपके लिए ऑप्शन बचते हैं, यश मिश्रा को रख सकते हो, चौधरी को रख सकते हो, मृत्युंजय चौधरी, शरीफुल इस्लाम आपके लिए ऑप्शन बचते हैं। तो कुछ तीन चार ऑप्शन आपके और बचते हैं, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हो। जो तीन बॉलर मैंने लिया अगर इनसे सेटिस्फाई नहीं रहे हो, तो अगर आपको लगता है जो तीन बॉलर मैंने लिया अगर इनमें से कोई परफॉर्म नहीं करेगा, आपको लगता है कोई इनमें से विकेट नहीं निकाल पाएगा, बेशक ड्रॉप करके बाकी के जो ऑप्शन बच रहे हैं आपके बॉलिंग में उनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप मेरे से सेटिस्फाई और मेरे साथ ही जाना चाहते हो तो इन तीनों को ही लीजिएगा, तंजिम हसन, आर बिश्नोई और के त्यागी। इसके बाद बात करते हैं टीम प्री और कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यशस्वी जायसवाल को कैप्टन बनाया, हरिदोई को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। इसके अलावा आपका जो ऑप्शन है अकबर अली को बना सकते हो, हसन जॉय को बना सकते हो, सादत हुसैन हो गए, हेगड़े हो गए, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके से बचते हैं, आप उनमें से किसी भी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हो। तो देख लीजिएगा बाकी के ऑप्शन में से कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना या फिर जो दो ऑप्शन मैंने दिए इन दोनों को बनाना। अगर मैं से सेटिस्फाई तो इन दोनों को ही बनाएगा, यशस्वी जायसवाल और हरिदोई को। और लास्ट में अगर फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन का भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके ड्रीम इलेवन की टीम बना सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है, नीचे जो रेड कलर का बटन है बस उसको प्रेस करना, तो उसको प्रेस कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए ड्रीम इलेवन टीम बनाने में। एंड आई होप इतना रिक्वेस्ट करता आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।